जनपद सामली के ग्राम खेड़ा गदई में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त वो सम्मानित जो महिलाएं हैं जो कोविड का पालन करते हुए वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रहा है, वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है। उनसे जानेंगे किस किस प्रकार से वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है, जो नए फॉर्म हैं उनके लिए यहाँ पे वैक्सीन उनकी अवेलेबल हैं या जो पुराने हैं उनके लिए। जी पहले तो अपना नाम बताएँ। मैं शालू एनमू थाना भवन ब्लॉक से। आज खेड़ा गदाई में कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ पे हमारे साथ में है ललिता एनम आंगनवाड़ी खेड़ा गदाई की और आशा सायका, सभी यहाँ पर हमारे पास कार्यकर्ते उपस्थित हैं। कितने लोगों के अभी फॉर्म जो नए भरे गए हैं उनके हिसाब से? अभी जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा था हमारे पास 102 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से हमने 50 को वैक्सीन लगा दी गई है। अभी जो इसके बाद हमारे पास दवाई बचेगी तो हम बाकी लोगों को भी वैक्सीनेशन करेंगे। पोर्टल खुलवाने के बाद हम उन लोगों को भी परेशान यहाँ पे किसी को नहीं करेंगे। सभी के पास जितनी दवाई है हमारे पास सभी का रजिस्ट्रेशन खुद करके हम सभी को दवाई वैक्सीनेशन लगाएंगे। गांव के अंदर पहला दिन है, दूसरा आज हमारा दूसरा दिन है। यहाँ पे कितने लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं? अब से पहले हम उस दिन 200 लोगों को पहले वाले में लगा के गए हैं और 50 को अभी तक लग चुकी है। टोटल 250 को लग चुकी है। कितने घंटे में कितने वैक्सीन? अभी ये सुबह 9 बजे से टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है हमारा और शाम के 5 बजे तक। 5 में अगर भीड़ इकट्ठी होती है ज़्यादा, हमारे पास 5 से 6 भी बच जाते हैं कई बार, तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठे होने के बाद। जो सिस्टम आपने बनाया हुआ है, जो लाइन वगैरह लगे हाँ, लाइन की व्यवस्था प्रधान जी ने बहुत अच्छे से करा रखी है। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट की भी प्रधान जी ने अच्छे से करा रखी है। यहाँ पे कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ लाइन लगी हुई है, कोई वो नहीं हो रहा कि डिस्टरबेंस हो रहा कुछ भी। कितने दिन तक लगने वाला है कैंप यहाँ? ये आज के लिए है फिलहाल, तो अभी आगे के लिए हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है कि कब लगेगा कि नहीं लगेगा, सिर्फ आज के लिए है। तो खेड़ा गदई की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इसमें यहाँ पे वैक्सीन जो लगाई जा रही है, अमित धारे जी का कार्य भी अच्छे से दिखाया जा रहा है। मैडम का बताना ये है कि अमित धारे जी के द्वारा जो लाइन वगैरह यहाँ पे लगाई जाती है गांव के अंदर, किसी भी प्रकार से कुछ भी विकास की अगर बात होती है तो सबसे पहले खेड़ा गदई में होती है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ आशु अलवी, बने रहे रोहतक एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।